शहनाज गिल और हिमांशी खुराना इसलिए आज तक नहीं बन पाई अच्छी दोस्त, क्योंकि आज तक उनके बीच वो नफरत की दीवार खड़ी ही हुई है। मिल दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता होगा कि बिग बॉस सीजन 13 में जब शहनाज गिल और हिमांशी खुराना साथ में नजर आई थी तो ये दोनों शो में कितनी बड़ी दुश्मन बन चुकी थी ये बात किसी से छिपी नहीं है। और इसके बाद हिमांशी खुराना और शहनाज गिल जैसे ही बिग बॉस के घर से बाहर आई तो शहनाज गिल को तो कुछ ऐसे कामयाबियां मिलने लगी कि मानो शहनाज की किस्मत ही पलट गई हो। और हिमांशी खुराना की बात की जाए तो हिमांशी खुराना जैसा पहले भी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हुआ करती थी तो आज भी वो बहुत अच्छी ही है। लेकिन हाँ, शहनाज गिल की अगर कंपेयर की जाए हिमांशी खुराना से तो हिमांशी खुराना से शहनाज गिल जाने कितना ही आगे निकल चुकी हैं, क्योंकि शहनाज गिल की पॉपुलैरिटी पहले हिमांशी खुराना के जितनी भी नहीं थी। और अब जब वो बिग बॉस के घर के बाहर आई तो हिमांशी खुराना को काफी पीछे छोड़ चुकी हैं शहनाज गिल, और बैक टू बैक उनको नए से नए प्रोजेक्ट मिलते ही जा रहे हैं। शहनाज गिल के फैंस आज देश विदेश में फैले हुए हैं, वो शहनाज को ढेर सारा प्यार करते हैं और शहनाज भी अपने फैंस का खूब ख्याल रखती हैं। और कहीं ना कहीं हिमांशी खुराना शहनाज गिल को ऊंचाइयां छूते देख जेलसी जरूर फील करती हैं। यही तो वजह है कि कहीं भी शहनाज गिल के किसी भी पोस्ट वीडियो या फिर कहीं भी हिमांशी खुराना की कोई रिप्लाई कोई लाइक नहीं देखे जाते, क्योंकि इनके बीच हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। तो फिर अब कैसे ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर सकते हैं? वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है इसे लेकर हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा अपने विचार, और इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।